नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के पहली बार सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में सीएम नीतीश की मुलाकात पीएम मोदी से भी होगी। देखिए, कहा जा रहा है कि ये मुलाकात खुद में काफी अहमियत रखती है और कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। अखिलेश सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार भी फ्लोर टेस्ट टाल दिया जाएगा, यानी कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट नहीं होगा क्योंकि एनडीए डरी हुई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको भी, धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार सीएम नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी और सबकी निगाहें इसी मुलाकात पर टिकी हुई है। क्यों है ये मुलाकात इतनी अहम, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? हम नहीं है, 18 महीने पहले नीतीश जी ने साथ छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री से इतनी असहमति थी, इस हद तक हो गया था कि साथ ही नहीं छोड़ा, उन्होंने संकल्प किया, ठान ली कि नरेंद्र मोदी को हम सत्ता से हटाएंगे, सारे विपक्षी दल को एकजुट करेंगे और सब उनका संकल्प था कि पूरे देश भर में यदि 400 सीट पर हम 1-to-1 फाइट कर देंगे तो भाजपा 100 सीट में सिमट जाएगी। अब आ गए इसी पाले में, आई उनकी पहली मुलाकात है। 28 जनवरी को नीतीश जी इस पाले में आए, मतलब जो जनादेश इस असेंबली का तो यही था ना, बीजेपी जदयू एक साथ चुनाव लड़ने के बाद बहुमत मिला था और फिर नीतीश जी जो भी कारण रहा वो चले गए राजद के साथ, फिर आ गए हैं इधर। अब ये जो पहली मुलाकात हो रही है तो इसका महत्व तभी है, सोचिए ना जरा सा। जी जी, फोन से बात हुई है और इस बीच में फोन से बात हुई, हाँ फोन से तो बात हुई ना उस दिन, जी 28, हाँ उसके पहले बात हुई और फोन नहीं आया इसका भी एक मलाल कहिए। नीतीश जी ने कहा कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में कि कर्पूरी जी के लड़के हैं रामनाथ ठाकुर जी को तो फोन आया, हमें फोन नहीं आया, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना भी चाहिए था, जो मैंने आपसे उस दिन चर्चा की थी कि दूसरा ट्वीट किया था उन्होंने, धन्यवाद देना भूल गए थे तो फिर धन्यवाद भी दिए। ये सब मीटिंग पॉइंट हो रहा था, सच पूछिए। एक कोई जैसे राजनीति में रणनीति होती है और उस हिसाब से लोग अपना कदम बढ़ाते हैं, ये खेल है ना, शतरंज का ही खेल कहिए, जैसा भी खेल, अब तो राजनीति भी खेल है। अब उस खेल का एक आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि नीतीश जी जाएंगे वहां दिल्ली, संजय झा भी साथ गए या चले गए हैं और दिल्ली में उनकी जेपी नड्डा से भेंट होगी, अमित शाह जी से भेंट होगी, पीएम मोदी से भी, और प्रधानमंत्री से तो मिलना ही मिलना है। और प्रधानमंत्री इस मुलाकात के बाद संभवतः इस महीने बिहार दौरा उनका होने जा रहा है, जो 3 बार टल चुका है जी। अब तो 7 है, डबल इंजन की सरकार आ गई, बहुत सारे मुद्दे हैं। नीतीश जी कुछ क्या करते थे, जो उनका कुछ स्टैंड होता था तो उसको भी आज के दिन में याद करना बहुत लाजमी होगा, इसलिए कि आपके जो दर्शक श्रोता हैं वो उनकी उनके भी दिल में ये सवाल उठता है कि भाई नीतीश जी अब जब इस पाले में आ गए हैं, कहने तो कह रहे हैं कि जनादेश, भाजपा यही कह रही है कि वो तो अब जिसको कहते हैं कि भूला राही घर लौटा, उसको भूला नहीं कहते हैं, हाँ उसको भूला नहीं कहते हैं, तो जनादेश जो मिला था वो भटक गए थे फिर आ गए हैं अपने घर। तो चलिए इस रूप में भाजपा इस किन मुद्दों पर चर्चा होगी ना, मुद्दा तो पहला तो ज्वलंत यही ना है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना, मंत्रिमंडल विस्तार, उसके पहले 12 जनवरी वाली बात आपने कही, हाँ पहले फ्लोर टेस्ट होना है जी। तो पहले आज की मुलाकात जो होने वाली है वही चर्चा हम लोग पहले कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चर्चा में एक इसको कहिए कि पहली औपचारिक मुलाकात हो रही है और उसमें एक दूसरे का हाल चाल जानेंगे, फिर कुछ हंसी मजाक में थोड़ा ये ह्यूमर भी होगा और ह्यूमर के बाद भी अब एक साथ अब चुनाव लड़ना है, संयुक्त रणनीति बनेगी। अब नीतीश जी को जो बीजेपी का है कि भाई हम तीसरी बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी,
400 के पार करेगी। अच्छा, कहा तो ये तीसरी बार, तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तीसरी बार यही नारा है इस बार के चुनाव का 2000, इस बार 400 पार और तीसरी बार भी मोदी सरकार। हाँ, ये नारा है जी। अब इस नारा को तो अब फिर उसमें एक और जोड़ दीजिए कि बिहार में सब 40 पार, सब 40 लेना है, सुपड़ा साफ करना है जी। विपक्ष का सुपड़ा साफ ही ना करेंगे तो अभी जब तो नीतीश जी को फिर उसी नारा के साथ कदम ताल करनी है और खुद भी अपनी चुनावी बैतरणी पार लगानी है। जो पिछली बार दोनों ने मिलकर 39 सीटें जीती थी, इस पर 40 के 40 ही तो लक्ष्य है। और चुनाव के पहले ये दोनों का मेल जोल भी चली इसी लोकसभा चुनाव। अच्छा, उस शर्त का क्या, जब गठबंधन की बारी आ रही थी और कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है और शर्त ये थी कि बिहार में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो जाएं, तो क्या इस पर भी कोई चर्चा नहीं? ये शर्त कहाँ से आई बने? शर्त तो हम लोग का कयास था या कहीं किसी ने कहा क्या? नहीं, कयास तो यही लगाए जा रहे थे, चर्चाएं तो यही। क्यों नीतीश जी चाहेंगे विधानसभा का चुनाव साथ में? विधानसभा का चुनाव जिस दिन ये बात होगी तो फिर आप समझिए कि विधायकों में किस दल का विधायक चाहता है कि हम साल भर, डेढ़ साल है अभी नवंबर 2025 में चुनाव, एक दिन पहले कोई चुनाव चाहता है? नहीं चाहता। तो ये बताइए कि ये कोई राजनीतिक परिस्थिति ऐसी कोई हो जाए कि अब चुनाव ये असेंबली मौजूदा असेंबली के रहते फिर सरकार नहीं बनेगी या राजनीतिक, तब ना असेंबली नीतीश जी के लिए क्यों सूट कर गया इतना पहले अर्ली चुनाव? तो ये असेंबली इसी सरकार को ना रिकमेंड करना है, बिल्कुल जी। ये कहीं नहीं था, वो बात था कि ये लोकसभा का चुनाव हम लोग साथ लड़ेंगे, एक साथ फिर यहाँ जीतेंगे और फिर तो विधानसभा के चुनाव में कल क्या होगा, पहले तो लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, ये शर्त नहीं थी कुछ। अब रही बात की विस्तार हो जाएगा, उसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात ये है कि विस्तार का स्वरूप क्या होगा, जी। उसमें देखिए नीतीश जी ने अभी यहाँ जो जातीय सर्वे कराया है उसमें अभी पिछड़ों की आबादी 36% है, आधी आबादी अभी तो 9 लोग की कैबिनेट बनी है, उसमें 2 भूमिहार, 2 कुर्मी है, 1 यादव, 1 अति पिछड़ा, 1 महादलित, और कुल मिला जाकर जो 9 हैं तो अभी तो उसमें सवर्ण जाति में कही यदि 16% सवर्ण जाति हैं तो ब्राह्मण कास्ट को भी देना होगा, फिर आधी आबादी का तो इसमें नदारत है, कोई है ही नहीं, 20% बिहार में मुस्लिम है, उनका कोई अभी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जहाँ ये लोग बात कर रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो अब तो देनी ना होगी, हाँ। सिर्फ नारा देने से काम चलेगा? ये सब स्वरूप इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में होगा, जिसमें हाँ कुछ नए चेहरे भी होंगे, और कुल मिला जुला कर जब चुनाव लड़ना है तो सभी जाति धर्म वर्ग को साधने की भरसक कोशिश होगी, और फिर इसके बाद ये लोग चुनावी जंग में जाएंगे। तो एक तो ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार के स्वरूप पर चर्चा होगी, और फिर कुछ मुद्दे हैं लोकसभा में, कुछ मुद्दे हैं मुद्दा का, देखिए कुछ मुद्दा ऐसा है जो कि अब तो जो जदयू में और बीजेपी में कुछ पहले 370 खत्म हो गया, 3 तलाक का कानून बन गया, राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट से ही सब कुछ सेटल हो गया, अब 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि नीतीश जी के लिए फिर जो कहा कुछ करते थे और भाजपा के साथ ही सब कुछ, भाजपा साथ रहे तभी हुआ है, अब फिर आ गए हैं। तो अभी देखिए कि कॉमन सिविल कोड एक स्टेट में तो बिल ही आ गया है, अगला एजेंडा वही है, पॉपुलेशन कंट्रोल का इशू होगा, मतलब इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पर हमें भी नहीं होगी ये सब अभी चर्चा, आगे वाले दिन के लिए बात कर रहे हैं कि सब थोड़ी नीतीश जी के लिए थोड़ा सहज स्वीकार वाली बुंदा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और फ्लोर टेस्ट से पहले उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हो रही है, तो क्या ये एनडीए का डर भी दिखाता है? क्या वाकई में डर गई है एनडीए? क्या वाकई में बहुमत नहीं है एनडीए के पास? नहीं नहीं, डर से जा रहे हैं क्या? नहीं, ये देख फ्लोर टेस्ट एक अलग है, 12 ये तो आज गए हैं, कल 2 दिन की उनका ही तो दौरा है, वो आ जाएंगे वो, आज तो यहाँ जो इस काम है उसमें कोई कहीं से कोई फ्लोर टेस्ट से और विजिट से मतलब नहीं है, मतलब ना ना ना, फ्लोर टेस्ट तो 12 नहीं 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 12 को देखिए, 12 को फ्लोर टेस्ट होना है, उसके पहले स्पीकर के खिलाफ रिमूवल नोटिस है, तो सदन की कार्यवाही होगी, रिमूवल की नोटिस जब आ जाएगी तो फिर जो स्पीकर हैं यदि हाउस में उसके पहले पद त्याग नहीं करेंगे तो हाउस में वो फिर जैसे ही मोशन एक्सेप्ट होगा हाउस में विचार के लिए तो कुर्सी पर उपाध्यक्ष बैठेंगे। तो फ्लोर टेस्ट का मतलब है कि नीतीश कुमार तो विश्वास मत लाएंगे ही, जी। तो उन्हें टलना है,
वो नहीं टलना। ना ना देखिए स्पीकर, यदि स्पीकर का विश्वास मत हो जाएगा और फिर स्पीकर के रिमूवल का यदि वो स्वतः नहीं रिजाइन कर देंगे तो वही विचार होगा हाउस में, उस पर भी चर्चा होगी। और उस चर्चा में अभी तक, फिर मैंने आपसे कई बार कहा है अभी कि फिलहाल मुझे संशय है, जब तक स्पीकर उस कुर्सी पर विराजमान है तब तक संशय और सस्पेंस तो है ही। बिल्कुल सस्पेंस तो तभी बना हुआ है कि भाई क्या कोई खेला होगा। आज देखा राजश्री का भी एक आ गया है कुछ ट्वीट उसी ढंग का। बिल्कुल बड़ा ट्वीट है कि हम तो सोच रहे थे कि 5 से 7 ही विधायक की हमें जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो अच्छी खासी तादाद में तो सब तरह न हो रहा है। दूसरी तरफ भी लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे राजद के कई विधायक टच में हैं, कांग्रेस के तो विधायक देखिए अभी भी हैदराबाद में हैं, तो एक अलग कहानी है। लेकिन इस बीच हमें ये भी देखना होगा अरुण जी कि यहाँ पर अखिलेश सिंह का भी बड़ा बयान आ गया है। अखिलेश सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि डर गई है एनडीए। अखिलेश सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए डर गई है, बहुमत नहीं है उनके पास। नहीं नहीं देखिए, अब अखिलेश सिंह का बयान में इसमें कोई दम नहीं है, एक फ्लोर टेस्ट चल जाएगा कह रहे हैं। अब देखिए ना, अभी इसी में इसी दौरान 15 तक राज्यसभा के 6 सीट के लिए चुनाव भी हो रहा है और उस चुनाव में अखिलेश सिंह खुद एक कैंडिडेट हैं। अब ये एक बात ये भी है कि 19 विधायक को जो ले गए हैं उनका विधायक को एकजुट रखना उनके लिए चुनौती है। 19 कहाँ गए, 16 ही तो पहुंचे। नहीं 19 विधायक है ना, 16 वहाँ गए हैं, विधायक तो 19 हैं। और उनका जो लोकसभा के लिए 35 वोट चाहिए एक कैंडिडेट को, तो 19 उनके हैं, फिर राजद का सपोर्ट, वामदल का सपोर्ट, तब उनकी चुनावी नैया पार लगेगी। अपने विधायक को एकजुट रखना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो एक तो कहीं सत्तारूढ़ खेमा जो है वो डोरा न डाले कांग्रेस विधायक पर। खेला तो जब होगा सब तो सब तरफ खेला हो सकता है, तो भरसक अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए और फिर उनके लिए चुनाव है तो इसलिए भी जरूरी था एकजुट रखना। इसके लिए वो ले गए हैं वहाँ, वो लोग आएंगे ताकि ये असेंबली चुनाव में, देखिए इस चुनाव में भी भरसक नीतीश कुमार कोशिश करते हैं कि चुनाव में कोई मतदान की नौबत नहीं, अच्छे कैंडिडेट अच्छे हो जाए। उसमें 3 जाना है राजग से, 3 जाना है विपक्ष से। ये अखिलेश सिंह का इस बयान में मुझे कोई दम नहीं। लेकिन अखिलेश सिंह ने साफ कहा है कि पहले फ्लोर टेस्ट 5 को होना था, फिर 10 को हुआ और अब 12 को होना है, और ये भी कह रहे हैं कि 12 को भी नहीं होगा, टल जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन लगता है, टल सकता है? 5 का जो फ्लोर टेस्ट तो था नहीं, 5 का जो हाउस सम्मन हुआ था उसमें संयुक्त सरकार थी महागठबंधन की, तो सरकार में मतलब बीजेपी के आने के बाद 5 फरवरी का जो कार्यक्रम था ना वो पूर्ववर्ती सरकार की थी। जब पावर में आ गए तो फिर एक नया शेड्यूल जारी हुआ कि हम 10 को करेंगे, लेकिन जो 28 जनवरी को स्पीकर के खिलाफ जो नोटिस दी गई थी वो 14 दिन के बाद आना है, तो वो हमको लगता है उसी तारीख हाँ, वो कहा तो ये गया कि राज्यपाल बाहर रहेंगे, लेकिन कारण यही था उसके पीछे जो राजनीतिक कारण यही था कि वो 14 दिन नोटिस की अवधि होती है, उसके बाद ही हाउस में आना है। इसके लिए 10 को टाला गया और 12 से हो रहा है। 12 को स्पीकर के खिलाफ वो नोटिस भी सदन में आएगा, और यदि इस्तीफा नहीं दे देंगे उसके पहले तो सदन में उस पर भी विचार होगा, उसमें वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में जो फिलहाल अभी तक मुझे नहीं कोई संकट दिख रहा है सरकार पर, और फिर उसके बाद नीतीश कुमार विश्वास मत भी हासिल करेंगे अपना कि भाई हम सदन का विश्वास लेते हैं। वो एक देखिए राजनीतिक परंपरा है, कोई राज्यपाल ने कहा नहीं है कि आप बहुमत साबित कीजिए, इसके पीछे है कि एक बार आदमी विश्वास मत कोई सरकार लेती है तो 6 महीने तक फिर कोई विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, इसके कारण ये बातें हो रही हैं। बल्कि अखिलेश सिंह ने जो बात कही है वो उनके अपने कयास होंगे, आकलन होंगे, मुझे तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है कि 12 फरवरी से जो तय सेशन है फिर टलेगा। आपको नहीं दिखता? नहीं नहीं, नहीं, नहीं मतलब यहाँ पर ये भी हमें समझना होगा कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया गया है, 14 दिन बाद उस पर फैसला भी आ जाएगा। और इसी बीच जब ये इतनी बड़ी बात कहते हैं अखिलेश सिंह कि फ्लोर टेस्ट फिर से टल जाएगा, तो हम थोड़ा सा दाव पेच समझना चाहेंगे कि क्या ये मुमकिन हो सकता नहीं, है? मैंने तो आपको बताया, देखिए फैसला क्या हो जाएगा, स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस है वो हाउस में पहले उसकी प्रक्रिया तय है, और हाउस में प्रक्रिया है कि यदि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में, यदि जो प्रक्रिया है कि सदस्य खड़े होंगे उसके पक्ष में, जो न्यूनतम उसका मेंबर का है कि 35 सदस्य खड़े हुए, तो वो मोशन जो है सदन में विचार के लिए हो जाएगा, और जैसे ही सदन विचार के लिए वो मोशन स्वीकृत हो जाता है तो स्पीकर जिनके खिलाफ वो सदन में कुछ चेयर नहीं करेंगे,
जब डिप्टी से स्पीकर चेयर करेंगे जी। और अब उसके बाद वो उनके हटाने पर फिर सदन में विचार होगा या डिप्टी स्पीकर पहले विश्वास मत भी करा सकते हैं बिल्कुल और फिर उसके खिलाफ विश्वास मत में भी सरकार की ताकत की परीक्षा हो जाएगी तो उसके साथ कितने विधायक हैं 128 का बहुमत है कि नहीं नहीं है बिल्कुल। और उसी में यदि फेल हो गई तो फिर वो स्पीकर का अब स्पीकर का पहले हो जाएगा स्पीकर में भी टेस्ट हो जाएगा जी। इसलिए प्रक्रिया यही है पहला बिजनेस राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ठीक है स्पीकर के खिलाफ जो नोटिस है सदन में उस पर विचार होगा जी। उसका निष्पादन होगा ठीक है और वो जब चेयर पर नहीं रहेंगे डिप्टी स्पीकर रहेंगे और स्पीकर खुद नहीं इस्तीफा देंगे तो वही तो उन्हीं के हटाने के लिए तो सारी प्रक्रिया हो रही है और सरकार को अपनी बहुमत से उन्हें हटाना है और फिर वो विश्वास मत भी लेंगे। देखिए विश्वास मत न टलने का कोई मुझे दूर तक रखता है तो और स्पीकर का पद अभी भी खतरे में है उनको हटना अभी मेरे हिसाब से कोई सत्तारूढ़ गठबंधन में कोई विधायक के पाला बदलने या कोई अभी कोई मुझे कोई कहीं नहीं लग रहा है कहीं आपको इसकी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक आखिरी सवाल देखिए कहा तो ये भी जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के ऐसे कई विधायक हैं जिनके फोन अब बंद आ रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ये वो विधायक हैं जो एब्सेंट हो सकते हैं। क्या लगता है क्या वाकई में कुछ ऐसी परिस्थिति तो नहीं बन जाएगी? नहीं देखिए ना एब्सेंट हो सकते हैं तो मैं मानता हूँ एक दिन आपसे चर्चा आपने की थी कि इस तरह के 9 विधायक चाहिए बिल्कुल 122 बहुमत का आंकड़ा होता है स्पीकर को हटाने के लिए भी 123 चाहिए खिलाफ में बहुमत में चाहिए और पक्ष में भी सरकार के पक्ष में भी चाहिए 122 तो 122 का मतलब है कि 28 अतिरिक्त मेंबर हैं बोले 6 मेंबर अतिरिक्त हैं सत्तारूढ़ दल के पास तो इस 7-8 मेंबर जब तक हटेंगे नहीं तो कैसी सरकार गिरेगी। तो 7 मेंबर क्या है आपकी सूचना है कि वो पाला बदलने वाले हैं रिजाइन करेंगे अपनी मेमोरी गंवाएंगे यदि ऐसी स्थिति है बहुमत साबित करने वाले दिन एब्सेंट हो जाएंगे तो भाई दोनों चीज ना है बहुमत तो दोनों में टेस्ट होना है जी। किसके पक्ष में विधायक हैं स्पीकर के हटाने के पक्ष में आपने भी जिक्र किया कि राजश्री यादव ने भी बड़ा खतरनाक पोस्ट से कोई पुट देखिए ये सब ऐसे ही राजनीतिक बयान साफ कह दिया कि हमें तो 7 ही चाहिए थे और यहाँ तो 11-12 पूरी भी आ रही थी कांग्रेस में टूट होने वाली है इधर भी तो दावा हो रहा है टूट का मतलब है 13 विधायक इधर आ जाएंगे ये सब दावा प्रति दावा चलता है सारा खेल 12 को आपको समाप्त हो जाएगा। हाँ खेल समाप्त हो जाएगा जी। ये दो कार्रवाई होनी है विश्वास मत भी होना है और स्पीकर के खिलाफ हटाने और रखने की भी का भी खेल होना है। अभी खेल में 7 विधायक अब समझिए 7 ही चाहिए ना बिल्कुल तो 122 है 122 है जादुई आंकड़ा हाँ तो वही कहते हैं तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं इस तरह की स्थिति दिखती है। इतनी बात है कि तेजस्वी ने ये बयान देके कि अभी खेला बाकी है सचमुच सबको सत्ता पक्ष को सस्पेंस में हैं लोग कि क्या होगा और ये जो कई विधायक नहीं आ रहे हैं पता नहीं आपसे एक जो चर्चा थी आपने भी उनसे बात की है और संपर्क नहीं हो रहा आपसे संपर्क नहीं हो रहा नेता के संपर्क में है ना तो वहाँ इसलिए सब कुछ ऐसा हम फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कोई सत्तारूढ़ खेमा में कोई ऐसी कोई बात नहीं है और उस दिन दोनों चीजें होंगी। एनडीए डरी भी नहीं है देखिए डराव है कि नहीं कैसे उसके पल्स को हम कहेंगे कि डरा हुआ नहीं है लेकिन सब तो राजनीतिक प्रबंधन होगा ना तो अब क्या होगा अब ये देखने वाली बात होगी। आपको मालूम है कि अब सभी की निगाहें 12 तारीख पर टिकी हुई हैं क्योंकि 12 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।